नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर नागपुर में पतंगबाजी का लोगों ने लिया आनंद, लेकिन इस बार नायलॉन मांझे की दहशत में कम दिखा जुनून। ठंड और बारिश के साथ कोरोना के डर से भी लोग रहे सचेत। अब 8 सीटर कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की अधिसूचना के मसौदे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रोड सेफ्टी को और बेहतर करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। आज मकर संक्रांति के दिन नागपुर जिले में 3 कोरोना मरीजों की गई जान। जिले में मिले 1732 नए पॉजिटिव मरीज। नागपुर जिले में पहली लहर से अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा पहुंचा 10,128 पर। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर देश के कई हिस्सों में पतंगोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें दूर दूर आकर लोग पतंगबाजी करने के लिए एक जगह पर जमा होते हैं। कुछ जगह पर तो सामूहिक पतंग उत्सव आयोजित होते हैं, लेकिन शुक्रवार को नागपुर शहर में बारिश आने से सभी का पतंग उड़ाने का मजा किरकिरा हो गया। लेकिन वही कुछ पतंग प्रेमी बारिश रुकते ही एक दूसरे की डोर काटने के लिए लग गए। वही दूसरी ओर कोरोना महामारी के चलते पतंगबाजी का जल्लोष कम ही नजर आया। मकर संक्रांति आते ही तरह तरह के डिजाइन रंगों की पतंगे पतंगबाज के इशारे पर लहराती दिखाई देती है। ऐसे में आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और रंग बिरंगी पतंगों से सजे आसमान की खूबसूरती ही अलग नजर आती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण से दिन बड़ा और रात्रि छोटी होनी शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन से ही विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। वहीं मकर संक्रांति को पतंगों का पर्व भी कहा जाता है। इस पावन अवसर पर देश के कई राज्यों में पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। देश के कई हिस्सों में पतंगोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें जहां बच्चे पतंग उड़ाते दिखते हैं, वहीं इस आयोजन में कई अनुभवी अपनी पतंगबाजी की कला का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। पतंगों के इस उत्सव में लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। यही वजह है कि इस मौके पर लोग खुले मैदानों और छतों पर पतंग उड़ाते नजर आते हैं और ऐसे में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा नजर आता है। मकर संक्रांति पर लोगों में पतंगोत्सव को लेकर उत्साह नजर आता है, लेकिन इस बार का पतंगोत्सव नागपुर वासियों के लिए ठंडा रहा। सुबह से ही बारिश आने से पतंग प्रेमी नाराज हो गए। वही बारिश रुकते ही दोपहर से आसमान में फिर रंग बिरंगी पतंगें उड़ती नजर आई। बच्चों से लेकर बड़ों ने भी पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे की डोर काटी। चारों ओर वो काट का आवाज गूंज रहा था। कई मकानों के छतों पर बच्चे अपने परिवार के साथ मिलकर तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते नजर आए। वहीं किसी की पतंग काटने पर म्यूजिक के साथ लोग थिरकते नजर आए। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा सख्त पाबंदियां भी लगाई गई है। भीड़ ना हो इसका भी प्रशासन ध्यान रख रही है। कुछ लोग तो डर के मारे इस साल अपने घर पर ही परिवार के साथ मकर संक्रांति मनाते नजर आए। एक दूसरे को तिल गुड़ देकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। घर में रहना एक तरह से इस महामारी काल में ठीक भी और सुरक्षित भी है, ताकि खुद सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। आप सब भी प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहिए। देश में सड़क हादसों की संख्या सबसे ज्यादा है। लापरवाही से वाहन चलाना, खराब सड़क, नियमों के उल्लंघन से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने की अधिसूचना को मंजूरी दी है।
बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी आज दे दी है। अब सभी चार पहिया वाहन चालकों को अपने वाहन में 6 एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला है। वही छोटी और सस्ती कारों में भी 6 एयरबैग उपलब्ध कराने की अपील नितिन गडकरी ने कार निर्माताओं से भी की है, जिससे कारों की कीमत में 8 से 9 हज़ार का अंतर बढ़ सकता है। जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वही शुक्रवार को नागपुर जिले में 1732 लोग संक्रमित पाए गए, वही 3 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़े बढ़ने से प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है, लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से शहर में संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा ऑन द स्पॉट RT-PCR जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन न होना बताया जा रहा है। कई लोग अब भी बगैर मास्क के घूमते नजर आते हैं। वहीं साप्ताहिक बाजारों में बर्डी इतवारी परिसर में भी लोगों की भीड़ देखी जाती है। शुक्रवार को जिले में कोरोना का रोजाना जैसा ही ब्लास्ट हुआ। 1732 संक्रमित पाए जाने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। वही 3 संक्रमितों की मौत हो गई। 1732 संक्रमितों में शहर के 1364 और ग्रामीण के 307 और जिले के बाहर के 61 मरीज शामिल हैं, जबकि 672 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अभी भी जिले में 8360 एक्टिव मरीज है। वही शुक्रवार को 11842 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराई, जिनमें से 1732 लोग संक्रमित निकले। इसलिए प्रशासन द्वारा सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को दिल्ली में पत्रकारों से संवाद साधते हुए कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गोवा में उन्होंने कांग्रेस को साथ लेने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गोवा के माहौल में हमेशा ही नशा रहता है और अब तक राजनेताओं का नशा नहीं उतरने की बात उन्होंने कही। संजय राउत ने बताया कि वेणुगोपाल राहुल गांधी से उनकी बात हुई है। गोवा के संबंध में उनकी और प्रफुल्ल पटेल की चर्चा होगी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात होने की बात उन्होंने बताई। साथ ही चीन सीमा संबंध में उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आम्ही प्रयत्न केला, आम्ही किंवा प्रफुल्ल पटेल, पवार साहेब, NCP, आम्ही शिवसेना, आमचे प्रयत्न होते काँग्रेसला बरोबर घेऊन काही करण्याचे, पण गोव्याच्या वातावरणाची एक नशा, तिथे काय नशा असते गोव्याच्या राजकारणाची, वेगळीच नशा असते। त्या नशेत अजून नशेची धुंदी आता गुंतलेली दिसत नाही। माझं अनेकांशी बोलणं झालं, माझ्या वेणुगोपाळजींशी बोलणं झालं, राहुलजीशी बोलणं होत आहे, पण त्याचं स्थानिक नेतृत्व थोडंसं जमिनीवरती 5 बोटं चालत आहे, ते चालू द्या जाणार, त्यांची इच्छा आहे, पण आम्ही लढू, आम्ही लढू। काल प्रफुल्लजी कुठे गोव्याला होते का? बरं, पण दिगंबर कामत असं म्हणतात की संजय राऊत यांनी आमच्याशी संपर्क करायला उशीर केला। असे तरीही त्यांचं म्हणणं बरोबर, दिगंबर कामत हे मोठे नेते आहेत गोव्यातले, माझे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, मी त्यांच्या मताशी सहमत आहे। संपर्क करण्यापेक्षा माझा वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू, आणि संपर्क जरी करायला उशीर झाला असला तरी आघाडीमध्ये काही गोष्टी आपण ॲडजस्ट करायच्या असतात, त्यालाच आघाडी आणि गठबंधन म्हणतात, त्याला युती म्हणतात। बघतो, चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रही आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के एक संभावित उम्मीदवार को टिकट ना मिलने से उसका फुट फुट कर रोने का वीडियो वायरल हुआ है। उम्मीदवार ने टिकट ना मिलने से आत्महत्या करने की धमकी तक दे डाली। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद सभी पार्टियां काम में जुट गई, लेकिन इसमें सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हो रही है। इस राज्य में हमेशा ही अजब गजब घटनाएं होती रहती है, जहां भाजपा के एक उम्मीदवार प्रचार करने के लिए सीधे नहाने वाले व्यक्ति के सामने जा खड़े हुए, वहीं दूसरी ओर बसपा के एक इच्छुक उम्मीदवार ने टिकट ना मिलने से पुलिस स्टेशन पहुंचकर रोना शुरू कर दिया और आत्महत्या की धमकी भी दे डाली। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए, उन्हें मोदी अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। युवा स्वाभिमान संगठन द्वारा हर वर्ष पतंग महोत्सव उत्साह से मनाया जाता है। इस पतंग महोत्सव में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने भी पतंगबाजी की और पतंग महोत्सव का आनंद लूटा। अमरावती में राणा दंपति ने 2000 बच्चों को पतंगे बांटकर पतंग पर विदर्भ के किसानों की समस्या लिखी और नवनीत राणा और रवि राणा ने खुद पतंग उड़ाकर इसका आनंद लूटा। साथ ही इस पतंग महोत्सव में नवनीत राणा और रवि राणा ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तिल गुल देकर विदर्भ व अमरावती के बारे में मीठा बोलने की और विदर्भ में आकर किसानों की समस्या हल करने की बात कही। की आपली संस्कृती आपण सर्वांनी हे केलंच पाहिजे आणि प्रत्येक सणाचा महाराष्ट्रामध्ये ज्या आनंदामध्ये आपण सगळे साजरा करतो, आज तिलगुळ देऊन आपण सर्व महाराष्ट्रीयन लोकांचे तोंड गोड करतो आणि हेच म्हणतो, तिलगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। घरापासून आपण सुरुवात करतो आणि आज पतंग महाउत्सव साजरा करून सगळे लहान लहान मुलांना पतंग वाटप केली, त्यांच्यासोबत आनंदाने पतंग उडवण्याचा आनंद घेतला आणि महाराष्ट्रामध्ये जे काही प्रकरण जे प्रॉब्लेम्स आमच्या महाराष्ट्रामध्ये चाललेले आहे, तर मुख्यमंत्री साहेबांना पहिले सगळ्यात पहिले सुरुवातीमध्ये तिलगुळ त्यांनाच देते आणि त्यांना सांगते की आमच्या विदर्भाला आणि अमरावतीला तिलगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला आमच्या अमरावतीबद्दल आणि विदर्भाबद्दल। कारण की ते महाराष्ट्र नाही, आता रवीजींनी सांगितलं आमदार साहेबांनी की ते विदर्भात नाही आले, मग महाराष्ट्रात कुठेच आमचे CM साहेब दिसले नाही। त्यांची स्वास्थ्य लवकरच चांगली झाली पाहिजे, देवाकडनं प्रार्थना करते आणि आमच्या महाराष्ट्राच्या लोकांचा जीव आणि त्यांचं स्वास्थ्य आणि विकास चांगला केला पाहिजे, एवढीच विनंती करते आणि सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या चक्कर आणि पतंगच्या या ठिकाणी वाटप करत आहे युवा संघ पक्षातर्फे। आणि या पतंगच्या माध्यमातून आज हे मुख्यमंत्र्यांना समर्पित केली आहे पतंग, की विदर्भाचे शेतकरी, शेतमजूर, ST कामगार, अनेक ज्या समस्या शेतकऱ्यांच्या ज्या परिस्थिती आज खराब आहे, आत्महत्या होत आहे, त्या सगळ्यांच्या व्यथा आम्ही पतंगवर लिहिलेल्या आहे आणि ही पतंग मुख्यमंत्रीच्या मातोश्रीवर जाईल आणि ह्या व्यथांकडे मुख्यमंत्री लक्ष देईल अशी आमची या पतंगच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याला मागणी आहे। आणि मला असं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांना आता जसं पहिले राजे महाराजे
कबूतरच्या माध्यमातून संदेश पाठवत होते, पतंगच्या माध्यमातून संदेश पाठवत होते. ही परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आली आहे की मुख्यमंत्री 2 वर्षापासून दिसले नाही विदर्भामध्ये. म्हणून विदर्भाच्या वतीने विदर्भाच्या समस्या ह्या मातोश्रीच्या छतावर गेल्या पाहिजे आणि छतावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्या पतंगवर असलेल्या समस्या आमच्या वाचल्या पाहिजे आणि विदर्भाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, विदर्भाकडे चक्कर मारला पाहिजे. या पतंगच्या माध्यमातून आमची त्यांना ही मागणी आहे. ठीक. नागपुर मेडिकल अस्पताल से पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हुए आरोपी पंकज कनिया उरकड़े को सोनेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर वर्धा जिले की सिंधी रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके बाद सोनेगांव पुलिस उसे गिरफ्तार कर नागपुर लाई. पुलिस निरीक्षक डी सागर के अनुसार महाकाली नगर झोपड़पट्टी बेलतरोई निवासी पंकज उरकुड़े के साथ ही प्रणय ठाकरे को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पंकज को प्रणय ठाकरे की निशानदेही पर सिंधी रेलवे थाना क्षेत्र के खड़की गांव के पास जंगल से ग्रामीणों ने पकड़ा और उसे सिंधी रेलवे पुलिस के हवाले किया था. पुलिस और सिंधी रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से खड़की गांव से पीछा किया तो वह पास के जंगल में छिप गया. काफी देर तलाशी अभियान के बाद जब वह नहीं मिला तब पुलिस ने आसपास के गाँव में कुछ लोगों के मोबाइल पर उसकी तस्वीर भेजी. पंकज उरकुड़े गुरुवार को सुबह जंगल से बाहर आने पर कुछ ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया. उसे गांव के पाटिल के पास ले गए. पाटिल ने उसे सिंधी रेलवे पुलिस के हवाले किया. पश्चात आरोपी को सोनेगांव पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस स्टेशन सोनेगांव या ठिकाने एक घरफोड़ी का एक गुना दाखिल था. वहाँ तपास में उसको 2 दिन PCR मिला था और उसके तरफ से जो गुने का मुद्देमाल गया तो वो भी उसकी तरफ से जब्ती किया था. उसका नाम पंकज उरकुड़े था. उसके बाद में उसको दिनांक 11 तारीख को उल्टी का त्रास हो गया. उल्टे अपने स्टाफ यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए थे. उसका उपचार होने के बाद में उसको गाड़ी में बिठाते समय वो धक्का मार के वहां से निकल गया था, वो भाग गया था. जैसे जानकारी मिली कि वो भाग गया तो नागपुर पुलिस के सब आला अधिकारी वहां स्पॉट पे पहुंचकर उसका सर्चिंग ऑपरेशन किया. उसके बाद में उसके घर में उसके दोस्तों को साथ में सर्चिंग ऑपरेशन किया. लेकिन हमको ये जानकारी थी कि वो जो उसका साथीदार था प्रणय ठाकरे जो अक्यूज है उसके साथ उसको ही उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है उसको अगर पकड़ेंगे तो. हम दोनों तरफ से उसको सर्चिंग कर रहे थे. एक प्रणव ठाकरे भी उसमें फरार आरोपी था, वो भी हमको वांटेड था. उसके बाद में पंकज प्रणव ठाकरे वो मेवो में ऐसा है मिल गया. हमको मालूमात मिली, वहां हमारी टीम गई तो उसको हमने कैच किया. फिर उसको कैच करके उसको पुलिस स्टेशन में लाए. उसके पास में जानकारी ली और उसको पूछा कि वो कहां कहां भाग सकता है तो उससे क्लू थोड़ा सा मिल गया हमको. तो वहां जैसे क्लू मिला कि वर्धा जिला खड़की है, उनका एक बैठने का वहां पर एक होटल ढाबा एक स्पॉट है तो वो स्पॉट पे हमारी टीम तुरंत वहां पहुंच गई. लेकिन जैसे टीम वहां पहुंच गई तो वहां उनको अंदेशा लग गया कि वो दूर से कि भाई मेरे पास पुलिस आई. वो तो सतर्कता पुलिस दिखती क्या वहां, ये बोल के आरोपी. तो वहां से जो खड़की नवर गांव है सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है वहां से वो भाग गया जंगल के अंदर में. जैसे वहां जंगल के अंदर भाग गया तो पूरा गांव बाजू में गांव था, गांव में अपनी पुलिस गई, उनको सचेत किया कि ऐसा ऐसा आक्यूज आए और हमारे पास का जो फोटो था वो गांव वाले के पास साथ में शेयर किया. उसके बाद में शेयर करने के बाद में सब गांव वाले सतर्क हो गए. अपने अपने उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो डाल दिया और वो अक्यूज सर्चिंग करने के लिए पूरे वहां पर चले गए. माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने हमको डायरेक्शन दिए, उनको भी बताया गया ऐसा ऐसा है तो उन्होंने भी डायरेक्शन दिए. माननीय झोनवन सर वहां पे स्पॉट पे आए, उन्होंने भी डायरेक्शन दिए, वो भी जंगल में सर्चिंग करने के लिए आए. तो पूरी टीम रात भर वहां सर्चिंग कर रही थी. तो सवेरे फिर गांव वालों जो नवर गांव है खड़की गांव है उन लोगों को उधर जंगल में एक आदमी छुपने की खबर जैसे मिले तो उन्होंने उनको पकड़ा आरोपी को और सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन नजदीक का है उनका तो वहां पर वो लेके गए थे. जैसे हमको पता हमारी टीम भी वहां थी तो उनको भी पता लगा वो पुलिस स्टेशन में गए और वहां. तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB News. नमस्कार.